फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एसी लाइट का होल्डर होता है, इसे मैं आपको एक रिमोट कंट्रोल होल्डर बना के दिखाऊंगा, यानी कि आप इसे दूर से ही इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे मैं जो सर्किट इसमें यूज करूंगा, उससे आप किसी भी एसी लाइट की चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने मिल सके। तो यहाँ पे से बनाने के लिए मैं एक रिले यूज कर रहा हूँ 5 वोल्ट की, और जो नॉर्मल जो बच्चों की कार होते हैं टॉय कार, इनका मैं यहाँ पे एक पीसी बोर्ड यूज कर रहा हूँ। ये 3.7 वोल्ट से वर्क कर जाता है। तो यहाँ पे 2 चैनल वाला है, तो आप इससे दो डिवाइस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, इन पर आपको बैटरी देनी है, और बाकी के जो बचे हुए वायर हैं, ये आपको दो दो वायर आप जो रिले के पॉइंट दिए जाते हैं, नीचे की साइड में 3 पॉइंट दिए जाते हैं, उसके आपको लेफ्ट राइट पर किसी भी पे आप पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चैनल का यहाँ पे कनेक्शन करूँगा, तो मैं यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल की पीसी बोर्ड है उसके एक चैनल को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली जो मोटर होती है उनके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, पर आप इसे रिले के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी 100% वर्क करते हैं ये। तो मैं यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो आपके एसी लाइट का कोई भी डिवाइस हो उसके एक वायर को बीच में से कट कर देना है। तो अभी जो होल्डर है उसका मैंने एक वायर बीच में से कट कर दिया है ब्लैक वाला, तो उसका एक पॉइंट मैं यहाँ पे जो रिले के नीचे की साइड में 3 पॉइंट दिए गए उसके बीच वाले पॉइंट पे सोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट वाली साइड पे मैं यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अगर आप दो सर्किट इससे चलाना चाहते हैं, तो आपको दो रिले यूज करनी पड़ेगी, और दूसरे चैनल का आपको अलग से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बल्ब लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सभी वायर को आपको अच्छे तरीके से टेप से कवर कर देना, तभी आपको इसे यूज करना है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ, जो इसका पॉजिटिव वाला वायर है मैं पॉजिटिव पे लगा देता हूँ, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें स्विच भी यूज कर सकते हैं, बैटरी के एक वायर को कट करके आपको बीच में स्विच लगा देना है। तो यहाँ पे जो इसका नेगेटिव वाला वायर है वो मैंने जोड़ लिया है। तो अभी यहाँ पे जो सर्किट है वो ऑन हो चुका है। चलिए मैं इसे चेक करके देख लेता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे इसका रिमोट है, और जैसे मैं रिमोट के किसी बटन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बल्ब है वो ऑन ऑफ हो रहा है। आप सोच रहे हो कि शायद बटन को हमें लगातार प्रेस करके रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो रिमोट है, अगर रिमोट में आप स्विच को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो लगातार प्रेस होता रहे, यानी कि ट्रिगर वाला स्विच है यहाँ पे दबाने वाला, अगर आप इसे स्लाइड वाले स्विच को अगर आप लगा देते हैं, तो ये 100% वर्क करेगा, ये लगातार जलता ही रहेगा। तो किसी किसी रिमोट में यहाँ पे इस तरीके से स्विच होता है पुश वाला, लेकिन अगर आप इसमें स्विच को हटा के जो दबाने वाला स्विच होता है वो अगर आप इसमें लगा देते हैं, यानी कि वो ऑन करने के बाद दोबारा से ऑफ करना पड़े, तो वो स्विच यहाँ पे 100% वर्क करेगा, और आपको इसे बार बार यहाँ पे नहीं दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई करके इसे यूज में ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये पीसी बोर्ड नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद के अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।